हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं. एक फाइव स्टोरी बिल्डिंग फ्लोर फ्रॉम 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर एंड ओनली 1 कलर इज यूज. आपके पास 5 फ्लोर हैं जिसमें आपको 4 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, तो हो सकता है किसी 2 फ्लोर पे एक कलर कॉमन जाए, क्योंकि आपके पास तो 4 ही कलर है और आपके पास कलर कितने दिए हुए हैं, 4 कलर दिए गए हैं. तो कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द मिडिल 3 फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर. तो हम एक काम करते हैं, यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हम यहां पे देखते हैं पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है कि मिडिल 3 फ्लोर. मिडिल 3 फ्लोर कौन कौन सा है, मिडिल 3 फ्लोर ये तीनों है. अच्छा, मिडिल 3 फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, चलो मैंने कर दिया डिफरेंट कलर में. तो मिडिल 3 फ्लोर डिफरेंट कलर अगर हम फ्लोर कर देते हैं तो क्या ये अपने पास, उसने क्वेश्चन पूछा है कि कोई 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 2 जो फ्लोर है ना वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए. अच्छा, मिडिल 3 अगर अपन ने वो कर दे फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सफिशियंट है? तो हाँ सफिशियंट है. क्यों? क्योंकि 3 तो आपने डिफरेंट कलर कर दिए, तो आपके पास 2 कलर अगर कॉमन बच भी जाते हैं, तो आप अगर इन दोनों में सेट करते हो तो ये क्या कोई भी कंसेक्यूटिव फ्लोर होगा? नहीं होगा. अगर सेम भी होता है तो ये भी डिफरेंट होगा. तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशियंट, पहला ऑप्शन आपके पास सही है. सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर आप पेंटेड इन डिफरेंट कलर. अच्छा, सेकेंड और फोर्थ फ्लोर को आप डिफरेंट कलर से आप कर दो, तो क्या भरोसा थर्ड या फर्स्ट या फिफ्थ, इसमें से कोई भी कलर हो ना. तो जैसे अगर थर्ड या फर्स्ट में मान लो कि यहाँ पे आपने रेड कर दिया, तो एक कलर तो आपको करना है ना, क्योंकि 4 ही कलर आपके पास है, तो आप या तो यहाँ रेड पुट कीजिए या तो यहाँ रेड पुट कीजिए. तो आपने क्या किया, ये वाला जो ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, वो सफिशियंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 कलर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंसेक्यूटिव फ्लोर में डिफरेंट कलर ना हो. और थर्ड वाला जैसे अपन देखते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड रेड, तो पहला और फिफ्थ ये अगर हम रेड से कर दें, ठीक है ना, आपने 2 फ्लोर को रेड कर दिया, तो आपके पास अभी भी कलर कितने बचे हुए हैं, 3 कलर बचे हुए हैं और 3 फ्लोर बचे हुए हैं, लगाइए फ्लोर पे, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट होगा. यस, तो मतलब आपका थर्ड फ्लोर क्या हो जाएगा, सफिशियंट. हाँ सही है. तो इसका ऑप्शन पे हम जरा ध्यान देते हैं, इसके ऑप्शन में दिया गया है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशियंट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट, गलत. ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशियंट, यस. सफिशियंट 1 इज नॉट सफिशियंट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सफिशियंट 1 भी अगर डाले तो सही हो सकता है, और सफिशियंट सी भी. तो इसका ऑप्शन कौन सा बचता है, सफिशियंट 3 इज नॉट सफिशियंट, नहीं सफिशियंट सी. देखिए यहाँ ऑप्शन अगर पहला भी जाए या तीसरा भी जाए, कोई भी 2 ऑप्शन दो तो सफिशियंट है. तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा आपके पास सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही आ रहा है. तो इस पे अपन ने कहाँ चले गए, बी ऑप्शन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 16 किलोमीटर. ये जरा देखते हैं, ये डिस्टेंस के ऊपर अकॉर्डिंग है, तो ये डिस्टेंस में क्या क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पी क्यू आर 3 टोन है, पी और क्यू के बीच में मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्यू इज द बेस्ट ऑफ पी. तो एक मिनट, क्यू जो है वो पी के बेस्ट में है, मतलब अगर ये पी है ना तो क्यू इसके बेस्ट में है. अच्छा, आर इज द सॉफ्ट ऑफ पी, आर कहाँ पे है, सॉफ्ट ऑफ पी में. अब P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16, और यहाँ पे कितना है, 80. तो अच्छा चलिए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा देते हैं ना, इजी तो है, आपसे Q और R के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, पाइथागोरस लगाइए ना, 60 का 300, ये 640, ये होता है ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 100 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ऑल मेंबर ऑफ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल ऑन द फर्स्ट डे, 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइन, वेयर हैज 10% टू क्रेश इन द होटल. अच्छा देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना कि मतलब कोई एक 100 है, 100 में से 50 गया,
या 25 इधर गए, 75 इधर गए और कुछ यहाँ रह गए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। चलिए हम देखते हैं वेन डायग्राम कैसे। तो ये मान लीजिए ये एक तरह से मैंने बनाया, तो एक मिनट देखिए, 80% वेन फॉर शॉपिंग, तो मैंने यहां पर लिख दिया शॉपिंग। तो शॉपिंग में कितना है 80%, और देखिए 50% बेंड फॉर साइट सीइंग, तो यहां पे देखिए साइट सीइंग, तो ये वाला यहां पे कितना है 50%, और 10% लोग तो गए ही नहीं। अच्छा अपन एक छोटा सा चीज सोचते हैं कि 18 + 50 = 130 होता है, तो ये तो मोर देन 100% है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। वो कैसे? तो वो देखिए 10% क्या हो गए, रेस्ट ले लिए, तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितना आना चाहिए था, 80 + 50 कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आपको 90 आना चाहिए था। वो कैसे 90 आएगा? तो इसमें हो सकता है कुछ चीज इन दोनों के बीच में होगा, मतलब ये होगा, सॉरी ये होगा, इसका मतलब ये या इन दोनों में से होगा। तो आपको इन दोनों को मिला के 80 करना है और इन दोनों को मिला के 50 करना है। तो वो कैसे अपन कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये 80% है, चलिए मैं यहां से यहां तक का मान लेता हूं, इसमें 80% रख भी दिया, और यहां पे कितना रख दिया 50%, लेकिन आपको कितना, आपके पास टोटल कितना आना चाहिए था 90, आ कितना रहा है 130, तो 130 में से 90 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 40। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस बीच में क्या रख दिया, 40 कॉमन रख दिया, तो 40 यहां भी रख दिया और यहां पे 10 रख दिया। आप जरा ऐड कीजिए, 40 + 40 कितना 80, 80 + 10 क्या है 90, और 90 + 10 कितना हो गया 100। तो ये आपका डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। तो 40% लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग पे जाएंगे ही जाएंगे और साइट सीइंग पे भी जाएंगे। जरा इसका ऑप्शन ऑप्शन पे जरा ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, यस दैट्स राइट। 20% members went for only shopping. 20% members went for only shopping. नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? One only. क्या होगा इसका आंसर? One only. तो हम इस क्वेश्चन को, इसमें ऑप्शन ए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक स्कूल है जिसमें 60% स्टूडेंट क्रिकेट प्ले करते हैं। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। अच्छा पहले क्वेश्चन समझते हैं, आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट के पास क्या है, वो क्रिकेट खेलेंगे, और 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, वो फुटबॉल खेलेंगे। तो जो फुटबॉल प्लेयर खेलेंगे ना, उसके पास टू व्हीलर है, तो क्या जरूरी है 60 स्टूडेंट के पास टू व्हीलर ना हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो आप क्या करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव डाटा, तो उसमें ये पूछा कौन का कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। 60% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर, ऐसा तो दिया नहीं है, तो पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन, नो क्रिकेटर हैज ए टू व्हीलर, ऐसा दिया गया? नहीं, उसने ये कहा है कि जो फुटबॉल प्लेयर है ना उसके पास होगा, तो क्रिकेटर के पास टू व्हीलर नहीं होगा। ये क्या मतलब, नहीं होगा, मतलब ये कोई क्वेश्चन से आपका कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। थर्ड आता है, तो आपके पास सेकंड वाला कंक्लूजन भी होगा, क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे ये दिया है कि क्रिकेट प्लेयर डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये ऊपर में साफ साफ लिखा गया है कि अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल, दैट्स मींस क्रिकेट प्लेयर डू नॉट फुटबॉल, मतलब थर्ड वाला कंक्लूजन है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये दो कंक्लूजन आप यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर, अ नंबर फॉर्म द रिवर्सिंग डिजिट इज 4:7, नंबर ऑफ सच पेयर, तो जरा एक छोटा सा देखिए, टू डिजिट नंबर हमने बचपन में पढ़ा होगा ना कि टू डिजिट नंबर जो भी होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 10x + y। अच्छा इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y + x, और इसका रेशियो दिया हुआ है 4:7, तो आप जरा इसको अपन सॉल्व कर लें, 70x + 7y = 40y,
प्लस 4x, डैट्स मीन्स ये 33y और ये 4x इधर आ जाएगा तो 66x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। अच्छा एक बात जरा देखिए, y इक्वल टू 2x, तो ऐसे कौन कौन से डिजिट आप पेयर बना सकते हो, तो अगर y इक्वल टू 1 हो तो 2, डैट मीन्स 1 2 2 1 एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 4 4 2 भी एक पेयर बन जाएगा, 3 6 6 3 भी एक पेयर बन जाएगा, 4 8 8 4 भी एक पेयर बन जाएगा, अब 5 5 का तो 10 हो जाता है, तो डबल डिजिट हो जाता है, तो वो फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी डिजिट बने पेयर बनेगी, 4 पेयर बनेगी, कितनी पेयर बनेगी, 4 पेयर बनेगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज पे, अभी हमने परसेंटेज का कहा था कि परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखिए परसेंटेज के फिर से एक क्वेश्चन और आ गया। तो इस परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चन में पूछ रहा है इन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी और बी हैज स्कोर 5% नेक्स्ट मार्क्स दे, हाउ मच हैज बी स्कोर। जरा ध्यान देखिए, ए जो है ना बी से 20 मार्क्स ज्यादा लाता है, तो अगर ए का मार्क्स क्या होगा एक्स होगा, तो बी का कितना मार्क्स ज्यादा होगा एक्स प्लस 20 होगा। ए के पास अगर एक्स है तो बी के पास कितना होगा एक्स प्लस 20। अगर बी जो है ना वो स्कोर करता है 5% लेस मार्क्स देन ए, तो बी क्या करता है एक्स प्लस 20 में से एक्स प्लस 20 का कितना परसेंट स्कोर लेस करता है 5% करता है, तो ये बी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे ए आ जाएगा, ए जो है बी में से बी का 20% लेस करता है, डैट मीन्स एक्स प्लस 20 अगर मैं कॉमन ले लू तो 1 - 5 × 100 ये क्या दे देगा अपन को 95%। ऐसे सोचिए ना, ए इसका 5% कम है तो ए मतलब इसका 95% होगा, तो आप जरा यहाँ पे देखिए 95 क्या और ये हो जाएगा 20, डैट मीन्स एक्स प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको उधर रिवर्स कर दीजिए 20x/90, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स को उधर लेके जाए 20x/19 - x, डैट मीन्स x/19 = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 380। तो उसने पूछा है हाउ मच हैज बी स्कोर, तो बी कितना स्कोर करेगा 380 + 20, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 400। अच्छा नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे 380 आया तो यहाँ पे साइन मार देते हैं, नहीं 380 ऑप्शन होगा। जरा ध्यान से जरा सोचो, तो उसने क्या पूछा हाउ मच बी स्कोर, तो सवाल ये नहीं कि आपने सॉल्व क्या किया, सवाल ये भी होता है कि सॉल्व के साथ साथ आप ये भी देखें कि सामने वाले ने पूछा क्या है, कि उसने पूछा बी कितना स्कोर किया है, तो अगर हम 380 पे ही हम आंसर डाल देते बी तो ये गलत हो जाता, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना है बी ने कितना किया 20 ज्यादा किया है, तो 380 में हमने क्या कर दिया प्लस 20 कर दिया, तो ये आपको वैल्यू क्या दे देगा 380 + 20, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 400। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता एंड गीता गो फॉर स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 and 3 days, तो यहां पे गैप दिया हुआ है 2 and 3 days का, इफ ऑन द 1st January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विम टुगेदर व्हाट विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं 2 days बाद, तो हम इस तरह से जैसे दिया रहता है ना ये इस तरह के क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं 2 and 3 दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम लेके हम सॉल्व आउट कर देते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, जरा ध्यान से देखिए, अगर सीता और गीता एक को गई दोनों, तो देखो सीता जो है ना वो 2 दिन के बाद जाएगी, दैट डज नॉट मीन वो 3 को जाएगी, इसका मतलब क्या होगा वो 4 को जाएगी, फिर 2 दिन बाद जाएगी तो कितना होगा 7 को जाएगी, फिर 2 दिन बाद जाएगी तो मतलब 10 को जाएगी। अब आप बहुत सारे ऑप्शन में देखेंगे, बहुत सारे जगह आंसर में उसने दिया गया है कि 1 + 3 या 1 + 2 3, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको जैसे ये गीता है, तो हमने गीता में जैसे दिया 1, तो हमने क्या किया अगर जैसे वो फर्स्ट डे तो 3 दिन बाद जाएगी, तो दैट मीन्स कौन से डे जाएगी, ये आपका 2 3 4 कैंसिल कीजिए 5 को, तो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कितना, आप यहाँ पे किसका किसका एलसीएम लेंगे 2 + 1 मतलब 3 और 3 + 1 मतलब 4, तो 3 4 का एलसीएम ले लीजिए ना, 3 और 4 का एलसीएम क्या दे देगा आपको 2 है,
तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 26 का सी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में 7 दिया होगा, 7 लेकिन गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब 2 डे के साथ गैप दिया हुआ है 2, तो आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा, इसको गलती से 7 जनवरी इस पे अटेंड मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड ये तीन कॉन्स्टेंट एक 1000 मीटर के रेस में रेस कर रहे हैं। अज्यूम दैट ऑल रन विद अ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, इन सबकी अलग अलग एक स्पीड। एक्स गिव वाई स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड एक्स गिव जेड स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। तो सीधी मतलब है कि एक्स अगर यहां खड़ा है तो वाई कहां खड़ा है, वाई इसके 40 मीटर आगे खड़ा है। अच्छा तो फिर जेड कहां खड़ा है, तो एक्स अगर यहां खड़ा है तो जेड कहां पे स्टैंड आउट कर रहा है, 64 मीटर पे स्टैंड आउट कर रहा है। तो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। आपको ये बताना है कि अगर कंपटीशन में एक्स ना रहे तो आपको किसको कंपटीशन में देना है, यहां पे वाई एंड जेड को कंपीट करवाना है। किसको किसको कंपीट कराना है, वाई एंड जेड को कंपीट कराना है। तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड, तो y और z कितने मीटर का स्टार्ट देंगे, मतलब y से z कितना मीटर आगे होगा, ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा देखिए 40 मीटर तो ऑलरेडी अब आपका x हट गया ना, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था, 1000 था, तो 40 मीटर तो हट गया, तो आपके पास कितना बचा, 960 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप बताइए, 64 माइनस 40 कितना हो गया, 24। तो जब 960 मीटर की रेस थी तो बीच में कितना डिस्टेंस था, 24, तो 1000 की कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर दिया, 12 2 24 2 8 25। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो यहाँ पे y कितना का रेस देगा आपको आंसर 25 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।